चरण वंदन करता हूं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें ये अवसर मिला कि भगवान चतुर्भुज का दर्शन भी मिले और साथ में आप देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी मिल पाया, तो बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग। आप सबको प्रणाम करते हैं। भैया बहनी हो मिल जाई रातों की सुख पूरा इंजीनियर बन जाइबा हीरो बन जाइबा सांसद बन जाइबा मुख्यमंत्री बन जाइबा प्रधानमंत्री बन जाइबा सब कुछ बन जाइबा लेकिन वही माई के दुलार बिना सब पाय अधूरा माई के दुलार बिना सब पाय अधूरा आपके साथ कई भोजपुरी कलाकारों को आना था अलग अलग तारीखों में लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। तो प्रशासन भी देखता है कि व्यवस्था ऐसी रहनी चाहिए कि जहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए वो भी सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जरूरी है कि कोई भगदड़ ना हो, कहीं किसी को परेशानी ना हो, तो इस वजह से शासन को ध्यान रखना पड़ा। आम्रपाली को साथ में आना था जो कि लखनऊ तक आई हैं, यहाँ तक नहीं है, क्या कारण? हाँ, उनको आना था और वो आने के लिए तैयार भी थी पर उनके नाम पे यहाँ पे परमिशन नहीं मिला कि जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकते, तो इसलिए वो लोग नहीं आए। जब परमिशन मिलेगा तो जरूर आए। मैनपुरी से सपा ने डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, उतारना ही चाहिए। और जब बड़े नेता कहीं पर रहते हैं, उतरते हैं, तो अच्छी लड़ाई होती है और अच्छी बात है। क्या क्या जनता क्या बीजेपी अर्पणा यादव को चुनाव मैदान में उतारेगी? ये तो पार्टी के शीर्ष नेता तय करेंगे, ये हम लोग कैसे नहीं। राजनीति में आने के बाद फिल्मों का क्या होगा जी? राजनीति में आने के बाद फिल्मों के लिए क्या में बन रही है? आजमगढ़ में बन रही है, आजमगढ़ की 5 विधानसभाओं में 15-15 दिन हमने शूटिंग रख दिया है। वहाँ हम जनता की बात भी सुनते हैं, जनता का काम भी करते हैं और दोनों काम एक साथ होता है। हमने कहा भी था कि जब हम यहाँ चुने जाएंगे तो शूटिंग भी यहीं होगी और आपका कार्यालय भी यहीं चलेगा, आपका काम भी होगा, तो दोनों काम वहाँ। आपके क्षेत्र में विकास की गति क्या है? बहुत तेज है और आपको जानकर खुशी होगी कि आज ही पूजनीय महाराज जी ने 3,153 करोड़ रुपए की राशि जो है आजमगढ़ की सड़कों के लिए दे दिया है। तो आप देखेंगे कि आजमगढ़ जो है वो नए भारत का नया आजमगढ़ बन जाएगा 1.5 साल में, जो कई वर्षों में नहीं हुआ वो 1.5 वर्ष में करने का वादा किया था पूजनीय महाराज जी ने, तभी हम लोग वहाँ चुनाव लड़े थे। नहीं तो हम तो फिल्मों में थे, हमें राजनीति में आना भी नहीं था, पर महाराज जी ने कहा था कि आप वहाँ जाइए, जनता की सेवा कीजिए और जो 15 सालों में नहीं कर पाए वो लोग हम 15 महीने में कर देंगे, आप वहाँ जाके जनता की सेवा करिए। और महाराज जी ने 2-3 महीने में ही दिखा भी दिया। वहाँ आप देखेंगे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है आजमगढ़ में, आजमगढ़ की जो रेल लाइन है वो सीधे बनारस और गोरखपुर से जोड़ी जा रही है। उसके अलावा अभी मैंने बताया आपको कि 3,153 करोड़ आज ही पास हुआ है, जिसमें आजमगढ़ की सारी सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों का निर्माण होने जा रहा है। सर, युवा क्या चाह रहे हैं? आदम खान को राहत मिली है, क्या कहेंगे जी? सुप्रीम कोर्ट से आजम